गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके बारे में हम लोग जाना। कुछ मैंने आप लोगों को बताया था लघु अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अगले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का एक और भी चौथा नंबर क्वेश्चन जो है सर्वहारा वर्ग, उसको मैंने आप लोगों को वीडियो बता चुका है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, किसान या आम लोग शामिल होते हैं, उस वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है पांचवा, रूसी क्रांति के पहले रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था क्रांति के पहले रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्नत किस्म के बीज नहीं थे, उन्नत किस्म की मशीनें नहीं थी, खाद्यान्न उत्पादन उस तरह के नहीं होते, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, सरकार का उस पर कोई देखरेख नहीं था, किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा या आपको कोई किसी प्रकार का देखरेख सरकार किसानों के प्रति नहीं रखी थी। हर एक प्रकार का भेदभाव उसी जो सरकार की एजेंडा देती है वो हमेशा भेदभाव के दृष्टि से किसानों को देखता था। तो किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी समाज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों को है लघु उत्तरीय, इसमें रूसी क्रांति के दो कारण का वर्णन करें। रूसी क्रांति के दो कारण आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कौन कौन सा कारण है। एक तो एलेक्जेंडर द्वितीय था, जार था जो सम्राट, उसकी निरंकुशता, उसकी निरंकुशता और उसके बाद पूंजीपतियों का अधिकार, जो सामाजिक व्यवस्था था उस पर पूंजीपतियों का अधिकार, ये दो ऐसे कारण थे जिसको रूसी क्रांति ने जन्म दिया, जिसको जिस कारण ने रूसी क्रांति को जन्म दिया। ये हो गया रूसीकरण की नीति। है क्रांति हेतु कहां उत्तरदायी थी रूसीकरण की नीति? मैंने आपको बताया था, चूंकि रूस में मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, लेकिन इसके विपरीत भी, इसके अलावा वहां पर ईसाई, पारसी ये लोग भी धर्म के लोग वहां रहते थे। तो रूस की नीति ये थी कि सब पर रूसी धर्म को थोपने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि अलग अलग भाषी लोग क्षेत्र थे, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, तो रूस की जो जात था वो सब पर अपनी रूसी भाषा थोपने का प्रयास करता था, या अपना जो रूसी धार्मिक स्थिति थी उसको लादने का प्रयास करता था, जिससे वो लोग शुद्ध रहते थे। तो ये रूसीकरण की नीति हर हक में उत्तरदायी थी आंदोलन को करने के लिए, इसीलिए कि जो वर्ग उससे आहत था, जो वर्ग उससे लड़ना चाहता था, उसने क्रांति के बल दिया, उस क्रांति में वो लोग शामिल हो गए। उसके बाद है साम्यवाद, एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की कैसे। बिल्कुल सही थी, साम्यवाद के पहले जो व्यवस्था थी, जो सत्ता थी, उस पर पूंजीपतियों का अधिकार होता था, या जो जार होता था, सम्राट होता था, उसका अधिकार सब क्षेत्रों पर होता था। लेकिन साम्यवाद जब आई, साम्यवाद की स्थिति आई, तो उसमें सर्वहारा वर्ग को सत्ता में शामिल किया, यानी सत्ता में आम गरीब लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों का सत्ता में भागीदारी बढ़ गई, यानी ये लोग सत्ता में शामिल हो गए। सर्वहारा वर्ग का एक सत्ता वहां पर बना, सत्ता के शासन सर्वहारा वर्ग का होने लगा और विकास की स्थिति बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। तो ये था दूसरा दो आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों में समझाता था कैसे। चूंकि मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स, वो समाजवादी विचारधारा का द्योतक था, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला था, उसने दास कैपिटल का नामक रचना भी की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो जो रूस की आर्थिक नीति थी वो कहीं ना कहीं लेनिन ने मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर वो लिखा था, क्योंकि दोनों का जो नीति थी और मार्क्स के जो विचार थे वो काफी आपस में मिलती जुलती थी, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स था वो भी किसानों और मजदूरों के पक्ष में बात करता था और लेनिन ने भी किसानों और मजदूरों के पक्ष में ही नीति बनाई थी, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों नीति एक व्यवस्था के अंतर्गत थी। उसका प्रथम विश्व युद्ध रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस एक छोटे से जापान, छोटा सा देश से जापान जिससे हार गया,
वहां की जब सेना हार कर आए तो पूरे विश्व में रूस की बड़ी आलोचना हुई। रूस के लोग अपने आप को बहुत कमजोर मानने लगे, क्षुब्ध हो गए, क्योंकि एक छोटे से देश जापान से रूस जैसा बड़ा देश हार चुका था। तो उसकी आलोचना पूरे विश्व में बहुत ज्यादा हुई और यही कारण था कि उसने अपने देश के अंदर क्रांति का मार्ग प्रशस्त, यानी क्रांति के मार्ग को खोल दिया। लोग क्षुब्ध थे कि इतने बड़े देश होकर छोटे से देश से हार गया, तो कहीं ना कहीं हमको हर चीज में आर्थिक स्थिति में मजबूत होना पड़ेगा। और इसीलिए उसने एलेक्जेंडर, चूंकि उस क्रांति में एलेक्जेंडर जो जार था, सम्राट जो था, वो उसका कोई देखरेख नहीं था, शासन से उसका कोई लगाव नहीं था, उसको अपने सत्ता से मतलब था। शासन कहाँ जा रही है, सेना के पास अच्छे हथियार है नहीं, सेना कैसी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था, उसको वेतन मिलेगा कि नहीं उसको उससे कोई मतलब नहीं था, सेना के शस्त्र अस्त्र है कि नहीं उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए लोगों के मन में थी कि कहीं ना कहीं जान के कारण हमारे सैनिक हार चुके हैं, इसलिए उन्होंने आंदोलन में कूद पड़े और आंदोलन का मार्ग था वो उन्होंने प्रशस्त किया, आंदोलन का मार्ग खोल दिया। ये था आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आप लोगों का वही है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो रूसी क्रांति मैंने आपको बताया था दो नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति ने नई आर्थिक नीति लेनिन द्वारा 1921 में बनाई गई थी। ये आप लोग जानते हैं, नई आर्थिक नीति आप लोग किताब में दिया हुआ है, मैंने बता भी दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग इसको देख के ले सकते हैं। उसका रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति का प्रभाव भी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बढ़िया तरह से समझाया है, उसका प्रभाव क्या होगा पूरे विश्व में। पूरे विश्व में रूस की नई जो मॉडल थी, जो आर्थिक जो विकास की जो नई मॉडल थी, वो पूरे विश्व में अन्य देशों ने, यूरोपीय देशों ने अपनाया, तो वो प्रभाव था। तो उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया, आप देख सकते हैं। उसका मार्क्स वादी सिद्धांतों का सबसे सुंदर ये था। उसके बाद सिद्धांतों का वर्णन करें कार्ल मार्क्स के जीवनी, सिद्धांतों का वर्णन करें कार्ल मार्क्स के जीवनी, और उसके सिद्धांत मैंने पिछले वीडियो में बढ़िया से बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। पिछला वीडियो मेरा सर्च करके उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग किताब में देख सकते हैं। उसके बाद यूरोपीय समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूरोपीय समाजवादी जो था सेंट साइमन, रॉबर्ट मोहन, कार्ल मार्क्स, इन सबके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका है, मैंने बताया है पिछला वीडियो देखिए, आंदोलन लिए आपको सब क्लियर होगा। उसके बाद सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाला में पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मिलान करने वाला दिया है आप लोगों को। पहला में दिया है दास कैपिटल, इसका होगा कॉर्ड कार्ल मार्क्स। दूसरा दिया है चेका, तो ये था गुप्त पुलिस संगठन, यानी चेका का गुप्त पुलिस संगठन, चेका नाम बनाया गया था घर। उस पर नई आर्थिक नीति, ये हो गया आपको लेनिन, यानी अंग नई आर्थिक नीति लेनिन ने बनाई थी। उसके बाद है कार्ल मार्क्स की मृत्यु, ये हो जाएगा 1883, यानी ग, और ये हो जाएगा क। ये आप लोगों का हो गया मिलान करने वाला, तो आप लोगों का ये प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया, ये चैप्टर भी आप लोगों का समाप्त होगा, ये लेसन समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम लोग तीसरा लेसन जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।